माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, माजिद भाई ने देखो कोई शो वाला दाना निकाल रहे हैं माजिद भाई आटे के ऊपर। यबरुआ यबरुआ बा, माशाल्लाह जबरदस्त शो वाला दाना। अरे माशाल्लाह भाई डबलिंग मारा है। माशाल्लाह काय पे उस्ताद, आटे के ऊपर देखो जी, आटे पे आया जी माशाल्लाह जबरदस्त। निकालो जगह को रखी मैंने बाहर मच्छी यार। हाँ ये साइड के टुकड़े के लिए मारता था माशाल्लाह जी। देखो जबरदस्त कुकड़ी, देखो तबीयत खुश हो जावे। निकालो कांटा, निकालो सर। किधर हो तुम लोग, तरस गए होंगे देखने के लिए। हाँ किधर हो तुम लोग। हाँ तेरे को बोला ना कुकड़ी जो है ना, कल हम लोगों को वहाँ कुकड़ी लगा था ना कुकड़ी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये जीपीएस नंबर जो हैं ये मैंने डाले हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि जो शिकारी भाई शौक करने वाले हैं वो आएँ तो ये जीपीएस नंबर डालेंगे तो उस पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं बड़ी अहम जिनका शिकारियों को ख्याल करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मच्छी का टाइम देखना चाहिए कि मच्छी का कौन सा टाइम है खाने का। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप पॉइंट पे सही खड़े हो, जहाँ पे पथराटी वगैरह हो या जहाज हो वहाँ खड़े हो। तीसरी बात ये आ गई कि आपके पास चारा जो है वो होना चाहिए, जो मच्छी आप मारने जा रहे हैं, आटा है या झींगा है या केचुआ है, तो उसके अलावा भांगड़ा है, लूअर है, जैसा आप चारा लेके जाएंगे वैसी आप मच्छी मारेंगे। उसके बाद जो है डोरें आपकी जो हैं वो आपके पास अच्छी होनी चाहिए, कांटों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कांटे के ऊपर मैंने जो है ये चारा लगाना है। वैसे भांगड़े के ऊपर जो है वो 11 नंबर 12 नंबर का है 10 नंबर का कांटा चलता है, लूअर पे भी यही चलता है। और धनिया के लिए आप जो है वो 12 नंबर का कांटा लगाएं, मोटा आटा लगा के, और आप शिकार करें आपको अच्छा धंधिया लगेगा। बाकी ये है कि बोर्ड ऊपर चढ़ा दी थी तो अभी फारिग थे घर के अंदर, ईद भी आ गई है, एक दो दिन रह गए ईद को। मैंने बोला चले आपके लिए ये एक वीडियो बना देते हैं जिसके अंदर ये तमाम जीपीएस नंबर है, ये तकरीबन 8 वाम से लेके और 4 वाम तक जो है ये नंबर हैं इसके अंदर। ये जो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं ये तकरीबन 8 से 10 वाम है, ये जो हल्का नीला पानी है, और जो ज़्यादा डार्क है पानी नीला ये तकरीबन 3 वाम 4 वाम 2.5 वाम ऐसे है। और प्रिंस जहाज़ के ऊपर जो है वो फुल पानी के अंदर तकरीबन 4 वाम पानी होता है, उतरता है तो 2.5-3 वाम रह जाता है। ऐसे ही आगे कोयले वाला जो जहाज़ है इसके ऊपर भी यही है, 4.5 वाम 5 वाम फुल पानी होता है, और जब पानी उतरा हुआ होता है तो तकरीबन 3-3.5 वाम रह जाता है। बाकी ये कि अच्छी मच्छी जो खाती है वो ये अड़े जो आपके सामने अभी जो पथराटी चल रही है इसके अंदर अच्छी मच्छी खाती है, फुगिया वगैरह दंदिया डाठी बाकी भी तमाम मच्छियाँ लगती हैं। लेकिन चारे के ऊपर है कि आपके पास कौन सा चारा है और आप कौन से पॉइंट पे खड़े हैं और मच्छी के खाने का टाइम है या नहीं है, ये 3-4 चीज़ों का आप ख्याल करें। हवा को देख के आएँ कि हवा ज़्यादा है कम है, ज़्यादा हवा हो तो ना आए, ये टाइट फार फिशिंग के ऊपर आप चेक करेंगे हवा का मामला तो वो आपको पता लग जाएगा। वहीं पे आपको जो मच्छी की टाइमिंग है खाने की वो भी पता लग जाएगा। 24 घंटे के अंदर 4 दफ़ा मच्छी खाती है, इसके अंदर 2 टाइम सुबह के होते हैं दिन के, और 2 टाइम जो हैं ये रात के होते हैं। तो ये उन भाइयों के लिए है जो शौक करने के लिए आते हैं। जाहिर सी बात है जब आप शौक करने आएंगे इतना पैसा खर्चा करेंगे तो फिर मच्छी मार के नहीं जाएंगे तो फिर लड़ा हो जाएगा। तो लड़े से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप जो है अपना चारा अच्छा रखें। केचुआ लेके आएंगे तो कपड़दान मारें, या झींगे के ऊपर भी कपड़ता नहीं लगता है ज्यादा। और अगर आप लूअर वगैरह भांगड़ा लेके आएंगे अच्छे पॉइंट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, ये जो भी पॉइंट आपके पास चल रहे हैं किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाएं जब मच्छी के खाने का टाइम है, तो आप फुगिया वगैरह दंदिया डाठी वगैरह आप मार सकेंगे इसके। बाकी ये है कि मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत मालूमात भी आपको देते रहें।
कुछ लोग हैं जो शौक करने के लिए आते हैं लेकिन वो उनको पता नहीं होता। तो ये जो नंबर्स मैं दे रहा हूँ जीपीएस के, ये साथ में चल रहे हैं आपके नंबर, ये मछली जहाँ घूम रही है इसी के साथ नंबर चल रहे हैं। तो मोबाइल के अंदर जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उसके अंदर आप सेलर फ्री जो है वो उसको डाउनलोड कर लें और ये नंबर उसके अंदर डालें तो वो आपका जो है अपॉइंट पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएगी वो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको 14 वाम 19 वाम के जो जहाज़ पड़े हुए हैं जो सामने मनोड़ा के सामने या चरना के जो जहाज़ हैं जो पॉइंट है वो, और खाई खुडी के जो पॉइंट है वो, हसन चैनल के जो पॉइंट है वो तमाम पॉइंट्स की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आपको बना के भेजेंगे। ईद आ रही है, तमाम जो अपने सब्सक्राइबर हैं और जो तमाम दुनिया के अंदर मुसलमान हैं सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक, दंदिया फिशिंग टीवी की तरफ से ईद मुबारक। बाकी ये है कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।